कल वार्षिक उत्सव मनाया जाता है ललितपुर में, कार्तिक पूर्णिमासी। तो अभी आचार्य निश्चय सागर जी महाराज ललितपुर में विराजमान है। कल उनके सानिध्य में ललितपुर के अटा मंदिर जी से एक शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें बड़ा मंदिर, नए मंदिर के सभी के विमान जी हैं वो सम्मिलित होते हुए वहाँ से एक नई चीज़ जो हमारे ललितपुर को मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के चातुर्मास में प्रेरणा से प्राप्त हुई है, रजत रथ, जिसमें श्री जी विराजमान होकर भव्य शोभा यात्रा के साथ निकलेंगे और क्षेत्रपाल मंदिर जी तक आएंगे। क्षेत्रपाल मंदिर जी में आने के बाद सभी विमान जी के श्री जी भगवानों का अभिषेक होगा और इसके बाद यहीं दिन भर वो विराजमान रहेंगे। आरती वगैरह सब होने के बाद परसों फिर उनका यहाँ से वापसी का आयोजन रखा जाएगा। आकर्षण जैसे सुना है चांदी का रथ साथ साथ चलेगा जी, तो ये रथ क्या है? ये समूचे उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाया गया ये चांदी का रथ है, जो श्री जी की भव्यता को दिखाने के लिए हमारे समाज ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है। इसको बनाने के लिए राजस्थान से उम्दा कारीगरों द्वारा और समाज की दानवीरों द्वारा दी गई चांदी से बनवाया गया है। इसकी भव्यता जब अपन एक बार इसको रास्ते पर देखते हैं तो अपने आप ही श्री जी की भव्यता अलग दिखाई देती है, मनोहरता अलग ही दिखाई देती है।